नमस्कार दोस्तों, रीडाइस में आपका स्वागत है। मोरल थिंकर्स के इस कार्यक्रम में आज हम लोग मैकियावेली से लेकर आगे हॉब्स लॉक रूसो तक की बातें करेंगे। मैकियावेली के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मैकियावेली इटली में जन्मे थे और 1469 में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी वकील थे। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में सबसे पहले कुछ जो प्रस्ताव रखे जिससे हॉब्स प्रभावित हुए थे, यह हम लोगों को जानना जरूरी है। ह्यूमन नेचर जो मैकियावेली की तरफ से प्रस्तुत किया गया वो आज के समय में भी बड़ा प्रासंगिक दिखाई देता है, और आज जो कुछ अनैतिक विषय देखने को मिलते हैं उसमें ये सारे पहलू हम लोग देख सकते हैं। मैकियावेली ने जो विचार रखे उसे यूनिवर्सल इगोइज्म कहते हैं। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि मनुष्य जन्म से ही बहुत स्वार्थी होता है और आर्थिक हित या स्वार्थ ही मनुष्य में प्रेरणा प्रदान करती है कोई कार्य करने के लिए। वो ऐसा कहा करते थे कि व्यक्ति मतलब पिताजी की मृत्यु को भूल जाते हैं, लेकिन पितृ धन जो है वो पिता का की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आती है पितृ धन, उसको भूल नहीं पाते हैं और उसका अवसाद उनको काफ़ी रह जाता है। तो यह मानवीय प्रकृति के बारे में उन्होंने इस तरह से बातें कही। यह भी उन्होंने बताया इसमें कि मनुष्य को प्रभावित करने के लिए दो ही रास्ते हैं, चाहे भय से या फिर प्रेम से प्रभावित किया जा सकता है। तो इस तरह से हॉब्स को ये सब कुछ अट्रैक्ट करता है, यह सारे विचार जो यूनिवर्सल इगोइज्म मैकियावेली की तरफ से प्रस्तुत किए गए। और मैकियावेली सिखाते थे कि भाई राजा को चालाक होना चाहिए, फॉक्स एंड लाइन थ्योरी पर चलना चाहिए, मतलब समय अगर आए तो फॉक्स के जैसा, लोमड़ी के जैसा चतुर चालाक रहे और ज़रूरत पड़े तो लायन के जैसा झपट करके अपना हमला करके अपना लक्ष्य साध ले। तो किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपने हितों की प्राप्ति वो करे। हम लोगों ने इससे पहले के सीरीज में कुछ विचारकों के बारे में बात किया है, उसमें जर्मी बेंथम और स्टुअर्ट मिल के कैटेगरी में हम लोगों ने सुखवाद पे बात किया था, और उसमें एक विषय सामने आया था वो था इगोइस्टिक हेडोनिज्म, स्वार्थ मूलक सुखवाद, जिसमें अपने सुख को ही सर्वसुख माना जाता है और किसी भी तरह से जब हमारा ईगो ही सुख प्राप्त करना हो जाए, सेल्फ ईगो। यह जो यूनिवर्सल इगोइज्म है मैकियावेली की वो जर्मी बेंथम के इगोइस्टिक हेडोनिज्म से मेल खाती है काफ़ी हद तक। अब ये सारे विचार हॉब्स को प्रभावित करते हैं जो ब्रिटिश चिंतक हैं, और उन्होंने जो अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत किया और फिर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग स्टेट थ्योरीज पढ़ते हैं वो मैकियावेली से प्रभावित थे। मैकियावेली के इस विचार ने हॉब्स को प्रभावित किया और हॉब्स ने यह माना कि मनुष्य स्वार्थी होता है और मनुष्य आंतरिक रूप से अशांत है, वैभव की चाहत में, प्रतिस्पर्धा में, लालसा में वो आंतरिक रूप से शांत नहीं है, अर्थात आंतरिक रूप से बहुत ही बेचैन है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार वो तत्पर रहता है, इसलिए जीवन बहुत कोई सुखमय जीवन उसका नहीं है। और इसमें जो प्रभावी लोग हैं, जो सशक्त हैं, वह कमज़ोर मछली को पकड़ेंगे या खा जाएंगे, अर्थात जो सशक्त समूह होगा वो कमज़ोर का शोषण करेगा। इस तरह से हॉब्स ने एक एजम्पशन लिया कि सोसाइटी में अराजकता आ जाएगी, कबायली समाज हो जाएगा, और यहीं से उन्होंने राज्य की कल्पना की कि हमें सामाजिक समझौते करने चाहिए और राज्य जैसी संस्था को जन्म देना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर और नागरिकों की सुरक्षा, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जैसे संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करेगी, और राज्य की मान्यताओं को जो क्रियान्वयन करेगा उसे स्टेट कहा जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक अपने एजम्पशन को रखा। ये खैर ह्यूमन नेचर के बारे में बात है। हॉब्स के जो राज्य का सिद्धांत है यह राजनीतिक विज्ञान में और लोक प्रशासन में इसका ज़रूरत पड़ता है, एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में उसकी आवश्यकता नहीं है।
गवर्नेंस में जरूर आवश्यकता पड़ सकती है। एथिक्स में हम लोगों को देखना ये चाहिए कि उन्होंने क्या ह्यूमन नेचर को सेटल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसा बात प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य चूंकि लालसा में है, वैभव से बहुत प्रेरित है, कठिन प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो लगातार परेशान है, प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है, एक तरह से रैबिट जो रन है वो चल रहा है, एंडलेस है, जो सुख की चाहत में जिस तरह से आज भी हम लोग देखते हैं लोग दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो है विवेकशीलता, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का अपना महत्व है। विवेकशीलता से मनुष्य आंतरिक संघर्षों को भूलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सामान्य मानवीय व्यवहार में भी अगर कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो कभी 10-12 साल के बाद भी कोई मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई तुमने ये गलत बात किया था, वो उस समय नहीं करना चाहिए था। तो हम लोगों को ये सब जो चीज़ें याद रहती हैं, ये रेशनैलिटी से, ये जो माइक्रो जो फाइट है इंटरनली चलता रहता है, जो मनुष्य के पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, एकाग्रचित्ता को भंग करता है, ये एंगर को बढ़ाता है, जिससे समाज में अराजकता और तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने रेशनैलिटी को काफ़ी महत्व दिया कि अगर हम विवेकशीलता से चलें तो अपनी बुद्धि के प्रयोग से आंतरिक संघर्ष से उबर सकते हैं, बहुत सारे विवाद से बाहर आ सकते हैं और एक सुखमय शांतिमय जीवन जी सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी अभिलाषाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती हैं। जैसे जो इंद्रियां हैं, जो साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट, रेशनैलिटी से काफ़ी हद तक हम लोग उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पर हॉब्स के द्वारा जो है वो राज्य के या सरकार के, गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के उपयोगिता को भी बताया गया कि अगर सरकार होगी, गवर्नेंस होगा, तो इस तरह की चुनौतियां नहीं होंगी और मनुष्य को रेशनैलिटी के साथ चलने का पाठ पढ़ाया जाएगा। लगातार रेशनल व्यक्तियों में रेशनैलिटी का काफ़ी ग्रोथ होगा। तो ये उनके अपने एक विचार हैं। इसको आज के समय में हम कैसे देख सकते हैं, प्रासंगिकता कैसे देख सकते हैं? अब जैसे हमारे अगर एथिक्स के जीएस पेपर 4 के सिलेबस को देखें तो उसमें कई टॉपिक हैं। जैसे इंटीग्रिटी एक टॉपिक है, सत्यनिष्ठा। संगठन में सत्यनिष्ठा लाने के लिए ज़रूरी है कि ये छोटे मोटे संघर्ष जो हैं उनको रोका जाए, कर्मचारियों के बीच या अधिकारी अधीनस्थ के बीच जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस हो जाते हैं इनको कंट्रोल किया जाए। इन्हें हम रेशनैलिटी से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अर्थात किसी भी संगठन को अगर हम इम्पर्सनल बनाएं, अगर वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा चालित ना हो, रूल गाइडेड ऑर्गेनाइजेशन हो या इम्पर्सनल हो, गैर व्यक्तिक हो, अर्थात रेशनैलिटी से हो। रेशनैलिटी क्या है? तो कोई भी कार्य गतिविधि जो तार्किक हो और अनुभव के आधार पर ऐसा प्रतीत हो कि वह सही है या उसे सही सत्यापित किया जा सके, उसे हम लोग रेशनैलिटी कहते हैं। तो अगर रेशनल डिसीजन संगठन में होंगे, तार्किकता के आधार पर संगठन का संचालन होगा, तो संघर्ष भी समाप्त होंगे, संगठन भी आगे बढ़ेगा और संगठन आगे बढ़ेगा तो संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त होंगे। उसमें जितने सदस्य काम करते हैं उनके व्यक्तिगत लक्ष्य भी संगठनात्मक लक्ष्य में मर्ज कर जाएंगे और एक सुखमय और एक बहुत सफल संगठन का हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसा ही हम पूरे परिवार में, समाज में, अपने देश में हम देख सकते हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोग इन बातों को देख सकते हैं और इन चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए हॉब्स को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अगले किसी एपिसोड में हम लोग फिर लॉक और रूसो के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।